Hello friends, this is Uma and welcome to the Turmeric Club. Today we will be making gluten-free halwa. और इस हलवे को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 1 cup cream of rice, जिसको चावल की सूजी कहते हैं, 1/2 cup light olive oil, जो बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और 1/2 cup sugar, 1/4 cup chopped almonds लिए हैं मैंने, बादाम लिए हैं, आप कोई भी नट्स ले सकते हैं, और अगर नट्स ना चाहें तो आप नट्स छोड़ भी सकते हैं, और मैंने 4 ग्रीन कार्डमम्स या हरी इलायची लिए हैं, उसका पाउडर लिया है, और इसके साथ मुझे चाहिए 3 cup पानी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया हलवा। एक हैवी बॉटम्ड पैन लेकर उसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल, और इस ऑयल में हम ऐड करेंगे क्रीम ऑफ राइस, या जिसे चावल की सूजी कहते हैं। जिन लोगों को सीलिएक है या किसी भी तरह की ग्लूटेन की एलर्जी है, ये हलवा आपके बहुत काम आने वाला है, और आपको जो सूजी ना खाने की मुश्किल हो रही है उसकी दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी। और जैसे आप इससे सूजी का हलवा बना रहे हैं, इससे और भी रेसिपीज़ बना पाएंगे। तो आज हलवे को ठीक से देखते हैं कि हलवा कैसे इससे बन रहा है। तो इसको भूनते रहेंगे, अब मीडियम मैंने फ्लेम रखी है, मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए, अच्छी तरह चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे। आप इस रेसिपी को पूरा देखें, और उसको देखने के बाद खुद बनाएं, और उसको बनाने के बाद उसको टेस्ट करें, और फिर बताएं कि अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको ये हलवा कैसा लगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ नहीं खा पाते हैं तो आपको उसकी बहुत क्रेविंग होती है, पर अगर आपको सिमिलर कोई चीज़ खाने को मिल जाती है तो रियली अच्छा लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। देखिए, सूजी का टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है, और सूजी हल्की हो गई है, और हल्का हल्का सा इसका रंग भी बदलने लग गया है। तो जब आप इसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हल्की और फ्लफी सी हो रही है, पर अभी ये हुई नहीं है, अभी इसका कलर थोड़ा सा और चेंज होगा, और जब ये थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ने लगेगी तब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अभी हमने आज इसमें हमने घी नहीं डाला है, तो इसलिए अगर कुछ लोगों को जैसे मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी है, वो भी इसको खा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ चॉप्ड नट्स, अगर आपको नट एलर्जी है तो आप नट्स नहीं मिलाएं। सूजी अब बहुत अच्छे से भून रही है, और देखिए अब इसका टेक्सचर कैसे चेंज होता चला जा रहा है। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है, तो अब देखिए कैसे हल्के होती जा रही है, और नट्स भी अब रोस्ट हो चुके हैं। इस पे अब मैं डाल रही हूँ हमारा इलायची का पाउडर, तो ये बहुत अच्छे से फ्लेवर देगा या इसकी खुशबू देगा। सूजी को अभी हम कुछ और देर तक भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। देखिए कितना अच्छा सुनहरा सा कलर आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे पानी, तो 3 cup जो हमारा पानी है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी पहले हलवा नहीं बनाया तो पानी ऐड करने से पहले आप स्टोव को बंद कर दीजिए, ताकि आपको पानी के छींटे आपके ऊपर नहीं आए, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये हेल्प करेगा। पानी मिलाने के बाद, उसको थोड़ी देर मिलाने के बाद फिर गैस को ऑन कर लीजिए, और इसको मिलाते रहिए। धीरे धीरे इस हलवे की कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी। नोटिस करिए, अभी मैंने इसमें चीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि चावल का जो दाना है वो पानी में सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए चीनी हम बाद में मिलाएंगे।
अब हलवे की कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो गई है, थोड़ा थिक हो गया है और सॉफ्ट हो रहा है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे शुगर। तो जब हम चीनी मिलाएंगे, अगर आपको टेस्ट, आप थोड़े ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप लोग चीनी अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ चीनी थोड़ी कम खाते हैं तो मैं चीनी कम डाल रही हूँ। बहुत कम नहीं होगी, पर हाँ बहुत तेज़ वाला मीठा नहीं होगा ये, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा आपको कैसी लगती है। ओके, तो अब हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। तो गैस के स्टोव को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और उसको कवर करके 1 से 2 मिनट तक उसको ऐसे ही पकने देंगे। तो चलिए चेक करते हैं हम अपने हलवे का टेक्सचर, और ये देखिए हलवा कितना बढ़िया बना है। तो ये आप हलवा खुद बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाइए, और बहुत सारी मेरी ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और आई विल बी बैक विद अ लॉट ऑफ न्यू रेसिपीज़ वेरी सून। लव यू ऑल, टेक केयर।